फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मिनी फ्रिज बना के दिखाऊंगा जो कि गर्मियों में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको तांबे के दो पाइप लेने हैं और एक वाटर पम्प, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का आपको यूज़ करना है। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आपको इसके ऊपर आपको बर्फ़ यहाँ पर जमी नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं। तो इसे किस तरीके से बनाना है उसका कम्प्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो इस फ्रिज में आप कुछ इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक को रख के उन्हें आप ठंडा करने के लिए छोड़ सकते हैं और काफ़ी जल्दी यहाँ पे ये फ्रिज काम करता है। तो मैं यहाँ पे इसे बनाने के लिए देख सकते हैं कुछ इस तरीके के तांबे के दो पाइप ले रहा हूँ। तो आपको 5 mm का और 3 mm का आपको यहाँ पर दो पाइप ले लेने हैं, देख सकते हैं। अगर आपके मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो इसके बाद में फ्रेंड्स, आप बोतल की मदद से इसकी एक कॉइल बना सकते हैं जिसमें आप किसी बोतल को या ग्लास को ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। तो आप 2 लीटर की जो बोतल होती है उतनी बड़ी भी आप इससे कॉइल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी वाली बोतल के हिसाब से कॉइल बना रहा हूँ। तो जितनी बड़ी आप कॉइल बनाएंगे उतना ही पाइप आपका ज़्यादा लगेगा, तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। और ये फ्रिज सिर्फ 12 वोल्ट से काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप तांबे की पाइप की यहाँ पे कोयल बना सकते हैं और ये काफ़ी नरम होता है ये पाइप, तो आसानी से ये मुड़ जाता है, तो देख सकते हैं। तो बिना बोतल के आपको कोयल नहीं बनानी है, वरना जो पाइप है वो बीच में से ब्रेक हो सकता है। तो आपको बोतल की मदद से इसकी कोयल यहाँ पे बनानी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दोनों सिरों को बिल्कुल एक सेंटर में रखना है और यहाँ पर कम से कम जो कोयल है उसमें 6 से 7 टर्न यहाँ पर होने चाहिए, तो तब यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसके बाद में आपने अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं ये नीचे की साइड में इजीली खड़ा हो सके। तो इसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 mm वाला पाइप है उसकी भी हमें एक कॉयल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप 1 इंची का जो पाइप आता है उसके ऊपर से लपेट के इसकी भी एक कॉयल बना सकते हैं। इसमें भी आप 6 से 7 टर्न यहाँ पर रख सकते हैं, उसे भी आपको पाइप की मदद से ही बनाना है, वरना यहाँ पर छोटी कॉयल यहाँ पर ब्रेक हो सकती है बीच में से या मुड़ सकती है। तो इस तरीके से आप इसकी एक कॉइल बना सकते हैं। तो 2 कॉइल की हमें ज़रूरत पड़ेगी तब यहाँ पे जो हमारा फ्रिज है वो काम करेगा। तो आने वाले वीडियो में आपको मिनी एसी बना के दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी एक कॉइल बना ली है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक MTF बोर्ड का टुकड़ा ले रहा हूँ, आप इसमें किसी भी टाइप का प्लाई बोर्ड ले सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं इस फ्रिज को बनाऊँगा ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। एक आपको वाटर पंप लेनी है, तो वाटर पंप आप किसी भी टाइप की ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 12 वोल्ट की वाटर पंप है और इसके बाद में मैं 12 वोल्ट का एक कूलिंग फैन यूज़ कर रहा हूँ। आप मोटर में एक जो प्रोपेलर होती है वो लगा के उसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर सही तरीके से सेट हो जाएगा। तो मैं 12 वोल्ट का कूलिंग फैन यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके की मैं 2 पाइप ले रहा हूँ जो लेवल पाइप होती हैं और यहाँ पे एक पतला वाला कॉपर का पाइप। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसकी मदद से यहाँ पे जो सामने वाली कॉयल है जो हमने बड़े वाले पाइप से बनाई है उसी के अंदर सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ है वो ठंडी होंगी। तो आपको पतला वाला पाइप जरूर यूज करना है, ये कंप्रेस के लिए होता है। और इसे आपको दोनों पाइप में कुछ इस तरीके से सेट करना है और थोड़ा सा आपको दूर सेट करना है। तो मैं आपको पूरा कनेक्शन दिखाऊँगा, आप सोल्डिंग आयरन से इसे सोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको दोनों जो साइड है उनमें आपको एक एक पाइप लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों जो कॉयल हमने बनाई हैं उनमें मैं एक एक पाइप लगा लेता हूँ। तो इसमें हमें गैस भी भरनी पड़ेगी। जो फ्रिजों में गैस आती है वो किस तरीके से काम करती है वही मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को आप स्किप मत करना। तो चलिए यहाँ पर इस वाले पाइप को मैं इतना काटने के बाद यहाँ पर जो वाटर पम्प है उसमें लगा देता हूँ। आप इसमें किसी भी टाइप की वाटर पम्प ले सकते हैं। अगर आपके पास वाटर पम्प नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीज़ों का, तो आप वहाँ से ख़रीद के अपने घर पे मंगा सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा वाला पाइप है उसे मैं दूसरी कॉइल में लगाऊंगा जो छोटी वाली कॉइल है। तो पहले मैं वाटर पम्प के ऊपर इस पाइप को चढ़ा लेता हूँ और उसमें से इतना एक टुकड़ा यहाँ पर लगा देता हूँ, देख सकते हैं। इसके बाद में सभी चीज़ों पर मैं जो सुपर ग्लू होता है उसे डालूँगा। आप फेविकोल कुछ भी लगा सकते हैं ताकि ये लीकेज ना करे, क्योंकि यहाँ से गैस लीक नहीं होनी चाहिए। अभी हमें इसमें गैस भरनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कनेक्शन बताऊंगा किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो आपको सभी चीज़ों में 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, जो 12 वोल्ट की मोटर है और कूलिंग फैन है। आप चाहें तो किसी भी एक चीज़ को स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं,
तो मैं यहाँ पे जो कूलिंग फैन है उसे मैं स्विच से कनेक्ट करूँगा। तो मैं 12 वोल्ट का ही कनेक्टर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने स्विच को लगा दिया। सभी चीज़ों को आपको फेविक्विक से अच्छी तरीके से चिपका देना है ताकि यहाँ से लीकेज ना करे। आप चाहें तो ऊपर से हॉट ग्लू भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, तो इस पे आपको शोल्डिंग से यहाँ पे सेट करना है। इस पे आपको फेविक्विक यहाँ पे नहीं लगानी क्योंकि ये फेविक्विक से सही तरीके सेट नहीं होगा। तो आप सोल्डिंग आयरन से इस पे सोल्डिंग कर सकते हैं, उसके बाद में ये लीकेज नहीं करेगा। इसके बिना यहाँ पे जो पूरा फ्रिज है वो काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है किस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसके बाद में मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके सेट हो चुका है, अब यहाँ से लीकेज नहीं करेगा। चलिए अब इसका कनेक्शन जानते हैं। तो आपको दो वायर लेने हैं कॉपर वाले, उन्हें आपको अच्छे तरीके से छीलने के बाद आपको मोटर पे और जो कूलिंग फैन है उस पर आपको कनेक्शन कर देना है। तो कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो जो कूलिंग फैन होता है उस पर आपको पॉजिटिव पे पॉजिटिव देना पड़ेगा तभी यहाँ पे वर्क करेगा। अगर आप पॉजिटिव पे नेगेटिव देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि वो सिर्फ एक ही साइड में घूमता है। उसके बाद में आपको मोटर का कनेक्शन करना है। मोटर का कनेक्शन भी आपको देख के करना है कि वाटर पम्प किस साइड में पानी को फेंकती है, उसी हिसाब से आपको कनेक्शन करना है चेक करने के बाद। तो यहाँ पे पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको नई सिरिंज की आपको एक नीडल ले लेनी है और नीडल को आपको पूरी सावधानी से यूज करना है। तो इसके बाद में हम इसमें गैस भरेंगे। तो मैं यहाँ पे बूटेन गैस यानी कि जो एलपीजी गैस होती है उसे मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो नीडल है उसकी मदद से मैं इसके एक पाइप में इस गैस को भरूंगा। तो जो छोटी वाली कॉइल हमने बनाई है उसी के अंदर पहले मैं इस नीडल को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आपको पूरी सावधानी से इसे यूज करना है वरना आपको चोट लग सकती है, तो आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है। इसके बाद में आप एलपीजी गैस की कैन को इसके अंदर फंसा के इसमें यहाँ पे थोड़ी सी गैस भर सकते हैं। आपको कम से कम 5 से 10 सेकेंड आपको इसमें गैस भरनी है। उसके बाद में इसे ऊपर से आपको अच्छे तरीके से बंद कर देना है। आप चाहें तो सुपर ग्लू लगा सकते हैं या टेप भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे एलपीजी गैस भर दी है। इसके ऊपर से मैं टेप लगाने के बाद इस पर थोड़ी सी फेविकोल लगा दूंगा और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे इसे सेट कर देता हूँ। और उसके बाद में फाइनली आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रिज है बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसकी जो वाटर पंप थी वो थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी तो मैंने इसे चेंज कर दिया है। 5 वोल्ट की मैंने वाटर पंप इसमें लगा दी है, 12 वोल्ट की मैंने हटा दी है। सेम कनेक्शन है, आपको उसी तरीके से कनेक्शन करना है। 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने के लिए मैंने एक 7805 ट्रांजिस्टर यूज किए। तो इसके फर्स्ट वाले पॉइंट पे आपको 12 वोल्ट देना है, बीच वाले पे नेगेटिव और आउटपुट में यहाँ पे 30 नंबर से हमें 5 वोल्ट निकलेगा। दोनों का नेगेटिव आपको बीच में रखना है तो आपको आउटपुट में 5 वोल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी का जो कूलिंग फैन है वो 12 वोल्ट से चलेगा। तो चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पर पानी लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि ये पानी यहाँ पे जम रहा है कि नहीं, यानी कि जो बर्फ़ है वो बन पा रही है कि नहीं। तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। तो मैंने इसे ऑन कर दिया, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसके ऊपर आपको यहाँ पे बर्फ़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और इस तरीके से काम करता है, ये काफ़ी ठंडा यहाँ पे हो जाता है, लगभग इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे मीटर नहीं है वरना मैं आपको चेक करके दिखाया था इसका टेम्परेचर। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आप इसमें किसी भी टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो इसमें रख सकते हैं, गिलास भी रख सकते हैं पानी का, और अच्छे तरीके से काम करता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। और ये 12 वोल्ट से चलता है, आप कॉल कितनी बड़ी छोटी इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो ये फ्रिज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।